जब बोले ना दोस्तों, 3:42 हो गई है, मार्केट को बंद हुए सिर्फ 12 मिनट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर सेक्शन देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, इसको पढ़ना अनिवार्य है। चलिए अब आ जाइए, एक बार वेबिनार महाराज को भी दिखा देते हैं आपको। तो वेबिनार आपको पता ही है, 26 और 27 जून को सैटरडे एंड संडे है, 4 से 10 बजे तक का टाइम रहता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहेगा। कोर्स के कंटेंट बताए नहीं जाते हैं, कोर्स कंटेंट्स आर नॉट गिवन एट ऑल। व्हाट्सअप करना आपको अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक फ़ोटो इस नंबर पे, लेकिन अपने आईडी प्रूफ लाइक आधार और पैन कार्ड बिल्कुल भी मत भेजिए। और फ़ोन कॉल तो बिल्कुल भी मत करिएगा, चाहे वो व्हाट्सअप कॉल हो चाहे फ़ोन कॉल हो, वरना आप मुझसे फिर कभी भी कॉन्टैक्ट करने लायक नहीं बचोगे। चलिए, वी हैव लिमिटेड सीट्स, सो आपको जितना जल्दी ज्वाइन करना है। अगर कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि बस 26 तारीख है तो मैं 24 तारीख को पैसा डालूंगा यार, 2 दिन का भी ब्याज तो बचाऊँ, तो ऐसे लोग मेरे वेबिनार में ज्वाइन ना करें, कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। अब आ जाइए मार्केट का देख लेते हैं, पहले कहानी क्या हुआ आज, पहले स्क्रीन पे देख लेते हैं, फिर हम बाकी की बातें भी करेंगे। स्क्रीन पे जैसा मैंने बोला था कि 835 जो फ्राइडे को हाई बना वो टूटेगा, मतलब टूटेगा, तो आज आपको मार्केट ने एक अच्छा ज़ोरदार मौका दिया 630 का फ्यूचर में लो बना के, और 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा है। लास्ट ट्रेड आप कैन यू इमेजिन दिस, 836 पे ट्रेड हो रहा है और 630 का बॉटम बना के आया आज के दिन का, और 848 जो कि हाई के नज़दीक, यानी कि कल 900 फ्यूचर में आना 100 में से 95% तय है, 95% आउट ऑफ 100 देर इज़ अ चांस टुमोरो विल सी 5900 प्लस इन फ्यूचर्स निफ्टी, 15900 प्लस, ठीक है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इस समय आप कोई भी निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी फ्यूचर का ट्रेड अगर बाई में है तो उसको घर जरूर मत लेके जाइए। जो भी करना है उसका क्रियाक्रम करना या उसमें कमाई बुक करना, वो जो भी करने का है वो इंट्राडे में करके ही जाइए। पोजीशन अगर कोई लेके जानी निफ्टी फ्यूचर में या बैंक निफ्टी में, तो वो सिर्फ कॉल ऑप्शन के रूप में ही लेके जाइए, ताकि कभी कोई बैड न्यूज़ ने मार्केट को धड़ाधड़ तोड़ दिया तो आपके कपड़े और आपके पैसे दोनों सलामत रहे। इसका मतलब ये नहीं कि ये 16,000 नहीं जाएगा, 16,000 जाने की ही तैयारी है। इसीलिए मैंने बार बार एक शब्द बोला, जब भी करेक्शन आता है वो कुछ क्षणों के लिए आता है, तो जो बीयर्स है वो कुछ क्षण के लिए खुश होते हैं, लेकिन बुल्स को वो कभी भी ट्रैप नहीं कर पा रहा है। बुल्स को ट्रैप तब मैं मानूंगा जब इस तरह का 630 लाए और क्लोजिंग भी 650 करे, तब मैं बोलूँगा आज बुल्स फंस गए हैं, समझ में। लेकिन इसका मतलब हर बार आप बचोगे नहीं, क्योंकि बियर्स को भी अगर हम लोग कमज़ोर आंकेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग एक युद्ध के नियम को उल्लंघन करेंगे। युद्ध में कभी भी दुश्मन को कमज़ोर मत समझो, यानी कि जो ट्रेड आपके फेवर का है उसके अगेंस्ट को कभी भी कमज़ोर मत समझो, ठीक है। तो ये भी मेरी कहानी, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको खेलना है 16,000 का कॉल ऑप्शन बाई करके खेलो ना यार, 15,900 का कॉल ऑप्शन बाई करके, ताकि आपका एक लिमिटेड लॉस आपको डिसाइडेड रहे। अब रिलायंस ने आज बहुत तगड़ी क्लोजिंग दे दी, मैंने आपको कई दिन से बोल रहा हूँ 2232 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो अब एक क्लोजिंग में मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा मेरा नियम क्या बोलता हूँ, एक क्लोजिंग इज ए ब्रेकआउट बट सेकेंड क्लोजिंग इज ए कन्फर्मेशन। सेकेंड क्लोजिंग अबव अ सर्टेन ब्रेकआउट लेवल इज ए कन्फर्मेशन ऑफ दैट ब्रेकआउट। तो कन्फर्मेशन कब मिलेगी हमको, कल अगर वापस से 2232 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये जुलाई 31 के पहले 2550 आने की पूरी ताकत रखता है, ठीक है। अब आ जाते हैं चार्ट्स पे देखिए आप, यहाँ पे अगर मैं आपको एक ड्रॉ करूँ तो एक नौका बन गई है, नौका यानी कि नाव, बोट इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग, है ना,
अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, इट इज़ एज गुड एज ए बोट, आप देख सकते हो। और इस बोट का ब्रेकआउट कब का आ चुका है, ठीक है, ये बोट यहाँ तक बन रही है। अब इस बोट में मैं, ये बोट तो अब चप्पू, इसका चप्पू भी ऊपर की तरफ जा रहा है, चप्पू समझते हो ना, जो बोट को आगे खींचता है पानी में, जो धार में चलाते हैं, तो ये चप्पू इसका ऊपर की तरफ है भाई साहब। और ये बोर्ड के हिसाब से इतनी तेज़ी तो कंफर्म थी, 15,200 - 14,200 यानी 16,200 तक का ये दमखम दिखा रहा है यहाँ से जाने का, 16,200, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, पिछले कुछ दिनों से अगर आप चेक करो तो ये इसी रेंज में, अगर आपको मैं बहुत अच्छे से दिखाऊं तो आप देख सकते हो पिछले कितने ट्रेडिंग डेज इसने यहीं पे बिताए। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया आपके लिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कितने दिन से एक छोटी सी रेंज पे खेल रहा है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, छः दिन, सात दिन, और ये आठवां दिन है। आठ दिन से ये किस रेंज पे खेल रहा है, 835 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 566, यानी कि अगर मैं मोटा मोटा जोड़ू इसको, 566 - 835, 15,835 - 15,566, 269 पॉइंट। अगर इस 269 पॉइंट को मैं 15,835 पे ऐड करूं, तो 16,104 तक जाने की ताकत दिखा रहा है मार्केट, अगर 15,835 के ऊपर निकला तो 16,104। लेकिन मैंने आपको एक सावधानी अच्छे से बता दी है कि फ्यूचर के माध्यम से ट्रेड करते हो तो वो इंट्राडे ही होना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और उसको कैरी मत करिए ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब आज का दिन ख़त्म होने के बाद उसको पोजीशन में बाई लेके मत जाइए, अगले दिन फिर खरीद लीजिए, कोई बात नहीं। या तो ये एक तरीका, या दूसरा तरीका है कि कॉल ऑप्शन बाई करके रखिए, इन द मनी वाला कर लीजिए, आपको अगर ज़्यादा लालच है तो 15,800 का एक कॉल बाई कर लीजिए, तो वो फ्यूचर का भी काम करेगा लेकिन आपकी डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करेगा, कई हज़ार पॉइंट की गिरावट आ जाए तो आप बच जाओगे, ठीक है। तो 16,100 तक जाने की पूरी ताकत दिखा रहा है एज पर दिस बॉक्स, लेकिन ये बॉक्स कमाल कब करेगा, जब हम 15,835 के ऊपर आधे घंटे की कोई भी कैंडल क्लोज कर पाए, या 15-15 मिनट की दो कैंडल इंट्राडे में अगर 835 के ऊपर क्लोज होती है तो फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 565, 16,100 के लिए। तो 565 तो बहुत नीचे का स्टॉप लॉस, तो फिर आप बोलोगे सर क्या लगाऊं, तो फिर अगर आपको लगाना है 835 क्रॉस होने के बाद तो आप लगा सकते हो 749, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्टॉप लॉस बता दिया मैंने, 835 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाए स्पॉट में और 15-15 मिनट की दो कैंडल क्लोज कर दे, तो आप 16,100 के लिए खेलिए, लेकिन 15,749 स्पॉट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे बड़े महाराज रिलायंस के। आज अदानी की बहुत पिटाई हुई, और कल ही मैं कुछ लोगों से डिस्कस कर रहा था और मुझे लग रहा था कि अदानी कहीं ना कहीं ब्लास्ट होने वाला, मैंने कल ही ये सब अपने कुछ खास दोस्तों से यूज़ किए, और भोलेनाथ की बड़ी कृपा रही कि आज ही उसने सुनवाई कर। अब ये रिलायंस में क्या था, ये 8 मार्च का जो टॉप था, 8 मार्च 2021 का ये टॉप था 2232, इसके ऊपर कितने दिन से ये जा रहा था लेकिन क्लोज नहीं हो रहा था, ये कितनी बार गया था, एक बार गया है यहाँ पे 2250 गया 3 जून को, लेकिन क्लोजिंग इसने 2209 की थी। फिर दूसरी बार ये गया 7 जून को 2242 का हाई बनाया, लेकिन फिर से क्लोजिंग दिया 2227 की, यानी कि फिर से नीचे। और आज तीसरी बार गया तो इसने 2258 का हाई बनाया और क्लोजिंग भी 2244 की है, यानी कि इस
इसका ब्रेकआउट तो आज आ चुका है, ब्रेकआउट आ चुका है। ये जो कप की शेप बनी हुई है आपको मैं दिखा देता हूँ, कप कप समझते हो ना, जहाँ जिसमें आप चाय पीते होंगे घर पे, चाय कुछ लोग कॉफ़ी का भी शौक रखते हैं तो कॉफ़ी वाले कॉफ़ी पीजिए, उसके लिए मेरी कोई मनाही नहीं है। आप साउथ इंडियन हो ज़्यादातर कॉफ़ी पीते हो, आप नॉर्थ इंडियन हो ज़्यादातर चाय पीते हो। तो ये आपको ध्यान से देखिए, यू शेप कप बन रहा है अभी आपको। ये मेरी ड्राइंग, थोड़ी सी ड्राइंग में कमज़ोर था स्कूल में भी, तो थोड़ी ऐसी आड़ी टेढ़ी बनेगी, लेकिन ये कप है आप देख सकते हो, इट इज़ ए कप, और ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो चुका है। और इसको कई लोग राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हैं, और ये ब्रेकआउट आने का मतलब होता है कि ये जो बॉटम है 1880 का माइनस 2232 कितना होता है, एक सेकेंड कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, 2232 माइनस 1880, 2232 माइनस 1880 352 पॉइंट, इसमें ऐड कर दूँ 2232 को तो ये कहीं ना कहीं 2584 का टारगेट दिखा रहा है, 2584 का रिलायंस का टारगेट आ रहा है मेरा। लेकिन कब आएगा, जब सेकेंड कन्फर्मेशन वाली क्लोजिंग आ जाए, आज ब्रेकआउट आया है नो डाउट, कन्फर्मेशन हमको कल हो जाएगा। कल अगर फिर से 2232 के ऊपर स्पॉट में क्लोज करता है तो हम 2580 तक जाने की ताकत रखते हैं, लेकिन कितने दिवस में, कितने दिन में, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये जो कप बना है इसको कितना टाइम लगा आप पहले ये देख लीजिए, सीख लीजिए, टेक्निकली आपको लेसन दे रहा हूँ। 8 मार्च से लेके आज कितना टाइम हो गया, 8 मार्च से 14 जून, लगभग 3 महीने, 3 महीने और 6 दिन, 3 महीने 6 दिन लिया इसने इस कप को ब्रेकआउट करने का, ठीक है, या इस राउंडिंग बॉटम को ब्रेकआउट करने का। तो हम इसका आधा टाइम कम से कम मानना चाहिए कि इसको आने में लगेगा, आधा टाइम यानी कि 31 जुलाई तक ये आपको 2580 तक जाके दिखा सकता है, दिखाएगा, ऐसा वर्ड स्टॉक मार्केट में चलता नहीं है, लेकिन दिखाएगा, ये तो आपको भी पता है, मैं जब बोल देता तो वो दिखाता ही है, भगवान की कृपा हो जाती है भोलेनाथ की। तो 2580 31 जुलाई तक आने के पूरे पूरे संभावना है, लेकिन कल हमको फिर से 2232 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स की भरमार लगा दीजिएगा, 2000 से ऊपर लाइक्स दोगे तो कल एक ऐसा डिलीवरी स्टॉक बताऊंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे ड्यूरिंग द मार्केट, ठीक है। अब जब भी आपका 2000 से ऊपर लाइक आएगा, आप लोग को अगले दिन एक डिलीवरी का ऐसा स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप बिना परेशानी के बाय करिए और पैसा कमाइए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। उसके लिए रात भर में मुझे रिसर्च करना पड़े, करूँगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।